तो वो देखें गाइस, वहाँ से ना गन निकल रहा है, जो गन्ने उधर से लग रहे हैं ना वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये रक्षे पे ताज़ा ताज़ा लोड कर रहे हैं, तो फिर ये वहाँ सूखने के लिए डालेंगे इसको। आह तो देखें गाइस, यहाँ पर जूस पिया जा रहा है। Assalamualaikum guys, hello, how are you? Fine. So guys, आज मैं जो आया हुआ ना, तो मैं आपको विजिट कराता हूँ यहाँ गांव में। एक जगह मैं आया हूँ तो यहाँ पर ना गुड़ बनाया जा रहा है, तो ट्रैक्टर भी चल रहा है, बेलना लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ मुकम्मल बताता हूँ कि ये सारा सेटअप किस तरह होता है, क्या तरीकाकार होता है। कितना मिलेगा जी पीढ़ी? तो मैं यहाँ आया हूँ तो आपको सारा सेटअप दिखाता हूँ। फटाफट, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या, तो काइंडली गाइस इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। हैं चाचा जी, किसे? तो गाइस वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है और सारा सिस्टम है, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो गाइस कर ले यार सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमें सपोर्ट करें गाइस बहुत 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 ज़्यादा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ये वो सिस्टम है। ये देखें यहाँ पर, ये जो है ना, ये इसमें जो रस तैयार हो जाती है गन्नों की, सबसे पहले ना तो उसे वो जो सिस्टम है वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वो ट्रैक्टर है, वो बेलना है। वो ट्रैक्टर के ज़रिए चल सकता है। ये जो बेलना है ना, ये पीटर से भी आप चला सकते हैं, बिजली वाली मोटर से चला सकते हैं, ट्रैक्टर से भी, और उसके अलावा जो पुराने दौर थे ना उसमें ये बैलगाड़ी से जो दांत रेडी होते उससे भी चलाया जाता था, बैलों से। तो वहाँ पर वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, वहाँ पर गन्ने लगते हैं, फिर उससे रस निकलता है, वो जो रस होता है उसको फिर इस डब्बे में डाला जाता है, ये कढ़ा बोलते हैं इसे गाय। तो ये इसमें जो डाला जाता है ना, तो इसमें फिर नीचे से आग जलाई जाती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो सामने आपने को नज़र आ रहा है ना, ये जगह इसमें आग लगाई जाती है। जी हाँ, जब नीचे से आग लगती है ना गाय, तो इसके अंदर कक्कूक डाल के ये जलाया जाता है। और ये सामने जो कख आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे सूखे सूखे इसमें डाले जाते हैं। एक आदमी यहाँ पर बैठता है तो वो फिर इसके नीचे आग लगाता है। ये होती है रो रस, तो इसे बॉयल किया जाता है। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाती है तो ये सूख सड़ सड़ के जो गंद और मैल होती है ना, वो गाइस जैसे कि अब ये भाई ले कर आ रहे हैं रो, तो ये इसमें डालेंगे। ये देखें, इसमें अच्छी तरह ये मिक्स कर रहे हैं, ये खालिद भाई हैं, तो ये रो डाल रहे हैं कढ़ा के अंदर। तो ये देखें, ये तीसरा पीपा लेके आए हैं रो का, और इसमें डाल रहे हैं। तो इसे आई थिंक 7 डालते हैं इसमें पीपे, ये वाले जो वो भाई लेके आए हैं। तो ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, और इसमें भी डालते हैं ताकि जो आग नीचे जलाते हैं ना, इसके नीचे भी सेक आता है और इसके नीचे से, और वो सामने से किस्म का ना चूल्हा भट्टी क्या ले उधर से आग निकलती रहती है। तो ये देखें गाइस, ये इस तरह ये होता है। जब यहाँ पर पक जाती है तो फिर ये इसमें डालते हैं, और इसके ज़रिए फिर यहाँ गुड़ निकाला जाता है। तो अब चलता हूँ मैं, आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर रस निकल रहा है। और ये जो खड्डा है ना गाइस, इसमें स्वाह आती है, चूल्हे की जो स्वाह होती है ना गाइस, वो इसमें खींची जाती है। ये आप देखेंगे इसमें और भी स्वाह पड़ी है। तो ये देखें, ये बेलना चल रहा है। हाँ, यूट्यूब के वाले से। तो देखें गाइस, ये अंकल कान ये लगा रहे हैं गन्ने, तो इधर से रो आ रही है। ये देखें, ये रो निकल रही है, ये पीपा भर हो रहा है। और ये देखें, यहाँ से गन्ने लगाए जा रहे हैं, और वहाँ से वो देखें वो जूस आ रहा है गन्नों का। ये गाइस मशीन चल रही है जहाँ से ये जूस निकलता है। ये इतने सारे गन्ने हैं गाइस, उनका इन्होंने जूस निकालना है। ये सामने ये देखें, ये ट्रैक्टर चल रहा है। तो वो देखें गाइस, वहाँ से ना गन निकल रहा है,
जो गन्ने उधर से लग रहे हैं ना वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये रक्शे पे ताज़ा ताज़ा लोड कर रहे हैं, तो फिर ये वहाँ सूखने के लिए डालेंगे इसको। आह तो देखें गाइस, यहाँ पर जूस पिया जा रहा है। ये यहाँ से गंद निकल रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ से चूरा निकल रहा है। और ये ट्रैक्टर है 240 मैसी, वो लगा हुआ है गाइस। ये जो सेटअप होता है ना, ये गुड़ बनाने के लिए बेलना, और ये ज़्यादातर गांव में होता है, चक्को वाली साइड पे। ये वैसे बेसिकली ये हमारे गांव में भी है सेटअप, तो ये इसके ज़रिए गुड़ बनाया जाता है। तो ये किसान के लिए अच्छा पेशा है रोज़ी करने के लिए, जो कि ज़रा से रिलेटेड मेरे भाई हैं ना, वो इस फील्ड को अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये देखिए मैं चीज़ें वो बेलना चल रहा है, और ये सारा तो मैं वहीं पर रखूँगा। तो गाइज ये सेटअप था जो मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। गाइज आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत देनी है, सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए गाइज मुझे दें इजाज़त, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय गाइस।